Oh my God! ओ भाई आगे निकल गया बंदा। So hey guys, good morning, welcome back to my another vlog। तो भाई लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो भाई लोग आज बहुत ही मजेदार ब्लॉग आने वाला है। आर्मर 5v3 और GT कंटिनेंटल 650। तो आज का ब्लॉग में मजा आने वाला है, तो वीडियो में रेगुलर बने रहे। एक है GT कंटिनेंटल 650 और वो रहा आर्मर 5v3 और वो रहा V4। तो वो जुदा भी हो सकता है, मतलब कहीं जा भी सकता है घर पे, और ये दोनों राइड होगा बहुत ही खतरनाक। तो देखिए फर्स्ट बार कौन बाइक चलाते हैं, तो फिर मजा आएगा, सारा बाइक का व्यू देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया थी कि हम चलाने वाले V3, लेकिन मेरे पास क्या आ गया V4। सो भाई लोग V4 चलाने वाले हैं। सो भाई लोग यहाँ पे आ चुका है तीनों बाइक, वर्जन 3 और ये GT वर्जन 4। तो भाई लोग अभी तीनों बाइक हो गया रेडी, तो निकलते हैं सीधा ड्रैग रेस के लिए। पहले राउंड में भाई बीट, GT बीट। ओ यार, अरे भाई अपनी बाइक तो क्या हो गई है यार, भाई हम भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। क्या हो गया, ये लोग को रुक गए। चलिए तो भाई लोग यहाँ पे आ चुका है तीनों भाई। तो भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कौन बाइक कौन आगे निकल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और अभी जो पहले रेस हुआ था, मतलब तो कन्हैया पहले ही आगे निकल गया। पहले इन लोग को आगे थोड़ा जाने देते हैं और उसके बाद हम लोग अपना बाइक को भगाएंगे। तो चलो गाइस, पहले दोनों बाइक को आगे जाने देते हैं। ओ भाई आगे निकल गया बंदा, इसको पीछे करना है। ओ भाई भी निकले हम लोग की कन्हैया पीछे होते हुए, जीत ही पीछे होगा, बस थोड़ा सा वेट देखो। और ठंडी से भी बगल कर रही है, देखो भाई गई जीत। तो मतलब जैसा कि आप लोग देखे कन्हैया का बाइक से भी हम अपना बाइक आगे निकाल दिए थे कैसे भी, और GT आया मुझे कैसे भी फाड़ दिया। तो क्या ही कर सकते भाई, GT 650 cc का है और ये रहा 155 cc का। तो राइड पे तो बहुत मजा आया भाई लोग। तो चलिए एक बार पूछते हैं सब भाई कितना भगाया। मैं तो भगाया हूँ 142। और भाई आप कितना भगाए हैं लास्ट? मेरा 134 गया है। 34 आप भगाए, मेरा बाइक भगाए 142 और 140। आपका 140 भगा के भी मुझसे भी आगे हो भाई। क्या पावर है GT 650 का, मतलब क्या ही खतरनाक पावर है। 650 मैं इसका मैं फैन हो गया हूँ भाई, मतलब इसका फैन हूँ मैं भाई, इसका फैन हूँ। क्योंकि हम लोगों से 5 या 6 सेकंड बाद निकले हैं ना आप, 5 से 6 सेकंड बाद निकले हैं, 10 सेकंड बाद निकल के भी हम लोगों का चीज़ा फाड़ दिए। GT 650 इतना पावरफुल है, तो मैं तो इसका फैन हूँ भाई। में भी पावर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी 142 लेके गया हूँ। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि मेरा, देख सकते हो मेरा हेलमेट में कुछ लगा हुआ नहीं है, इसलिए एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वीडियो को। वीडियो को एब्जॉर्ब करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास में कुछ लगा हुआ नहीं है, फ़ोन से बाहर में निकाल के करता हूँ। तो चलिए, तो रेगुलर वीडियो में बने रहे। फिर से भाई सॉरी दोस्तों, इससे आगे हम ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि एक इशू आ गया था, क्योंकि मेरा फोन ही ऑफ हो गया था। तो अभी दिन के बज गए हैं 7:30, देख सकते हैं अभी 7:30 बजे मॉर्निंग में उठ के ब्लॉग को इन कर रहे हैं। तो आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितना भी आर्मर 5 V3 V4 कॉन्टिनेंटल GT 650 का फैन है, वो लोग से गुजारिश रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा प्यारा प्यारा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।